भारत में वीरांगनाओं की बात हो और झलकारी बाई का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति झलकारी बाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। झलकारी बाई का जन्मोत्सव अंबेडकर पार्क में बुनकर समाज महासभा ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। झलकारी बाई के चित्र पर फूल चढ़ाकर उनको नमन किया गया। इस मौके पर वीरपाल शंखवार, नरेश कोरी, वीर सिंह भुईयार, नीलम भुईयार आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में झलकारी बाई के जीवन पर प्रकाश डाला गया। यहाँ बताया गया कि अंग्रेज कहते थे कि भारत की हर महिला झलकारी जैसी हो तो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं नीलम भुईयार, आज हम राष्ट्रीय कोरी भुईयार समाज महासभा के तत्वाधान में आज हमने यहाँ पर झलकारी बाई जी का जन्मदिन मनाया है। यहाँ पर कोरी भुईयार समाज और सब समाज के लोग एकत्रित हुए, हम सबने मिलकर जो है झलकारी बाई जी के जीवन परिचय पर सबने प्रकाश डाला और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का जो है शपथ ली है। और महिलाओं से आह्वान किया गया है कि जैसे कि झलकारी बाई एक वीरांगना थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी सेना की सेनापति थी, और 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है लक्ष्मीबाई जी को कवेश धरकर अंग्रेजों से लड़ी और उनको जो है लक्ष्मीबाई जी को महल से पीछे के रास्ते से उनको बाहर निकाला गया ताकि वो सेफ बच सके। और ये अंग्रेजों से लड़ाई करके उनको शहादत हुई और उन्हीं की जो है हमने उनको अपने ऐतिहासिक गौरव को याद करते हुए वीरांगना झलकारी बाई जी का जन्मदिन आज हमने यहाँ मनाया है। और मैं महिलाओं से आह्वान करूँगी, बालिकाओं से भी, कि हमारा इतना इतिहास जो है गौरवशाली इतिहास है, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि महिला शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उनके सामने, है ना, उनसे शहीद हुई। और एक अंग्रेज ऑफिसर भी उस समय बोला कि 1% वुमन ऑफ इंडिया टर्न्स इन टू लाइक झलकारी बाई, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट ओनली टू लीव दिस कंट्री। कि अगर जो है झलकारी बाई जैसी 1% महिला भी इंडिया में हो जाए, तैयार हो जाए, तो हम अंग्रेजों के सामने इस देश को छोड़कर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इतनी जो है कुशल थी और वीर थी, वीरांगना थी झलकारी बाई जी, उन्हीं का आज हमने यहाँ जन्मदिन मनाया है। और मैं गर्व महसूस करती हूँ अपने पर, अपने समाज पर, कि वीरांगना झलकारी बाई जैसी महिला हमारे समाज में जन्म ली और हमें अपने समाज पर गौरव करने का जो है क्षण मिला हमें।